वालेकुम, मेरा नाम जमीन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स जो कि 2 मई 2023 से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना ताकि आपके 2 मई 2023 के जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड अस्थमा डे 2023। एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए जो कि 1 मई 2023 की वीडियो उसमें भी बताया गया कि वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो किया जाता है 2 मई को। तो जो 2 मई 2023 को वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है उसका थीम क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास है अस्थमा केयर फॉर ऑल। तो ये चीज आपने याद रखनी, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड अस्थमा डे 2023, तो इसका आंसर हमारे पास था अस्थमा केयर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड ट्यूना डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे। अब वर्ल्ड ट्यूना डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 2 मई। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड ट्यूना डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो किया जाता है 2 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूना डे 2023। अब जो 2 मई 2023 को वर्ल्ड ट्यूना डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया उसका थीम क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास है यस वी कैन। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड ट्यूना डे 2023 का जो है वो थीम क्या था, तो उसका थीम था यस वी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु विन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एंड एज अ फर्स्ट चाइनीज प्लेयर विच वाज हेल्ड इन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के अंदर जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई वो किसने विन की और बन गया पहला चाइनीज प्लेयर जिसने चेस का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बना, तो इसका आंसर हमारे पास है डिंग लेवेन। सो डिंग लेवेन विन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एंड एज द फर्स्ट चाइनीज प्लेयर विच वॉज हेल्ड इन द कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तानी बॉक्सर नॉक्स आउट थाई बॉक्सर टू विन WBC एशिया हैवीवेट टाइटल, व्हाट वाज हिज नेम। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि जो पाकिस्तानी बॉक्सर ने थाई बॉक्सर को नॉकआउट किया और विन कर लिया WBC एशिया हैवीवेट टाइटल, तो उनका नेम क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास है तैमूर खान। सो तैमूर खान वॉज द पाकिस्तानी बॉक्सर हु नॉक्स आउट द थाई बॉक्सर टू विन द WBC एशिया हैवीवेट टाइटल, सो हिज नेम वॉज तैमूर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिना रब्बानी खर विच इज द मिनिस्टर ऑफ फॉरन विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द UN लीड टास्क अफगानिस्तान क्राइसिस इन विच सिटी। तो हिना रब्बानी खर जो है वो मिनिस्टर ऑफ फॉरन है जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी इन द UN लीड टास्क अफगानिस्तान क्राइसिस के ऊपर, कौन से सिटी के अंदर ये होगा, तो इसका आंसर हमारे पास है दोहा। सो हिना रब्बानी जो कि मिनिस्टर ऑफ फॉरन है जो रिप्रेजेंट करेंगी पाकिस्तान को इन द UN लीड टास्क अफगानिस्तान क्राइसिस, तो ये कौन से सिटी में जा रहा है, दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 हैज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थी यानी कि WDR 2023 जो थी वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिलीज की गई है, तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड बैंक। तो ये चीज आपने याद रखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड फर्स्ट अबॉर्शन पिल इन इट्स हिस्ट्री। कौन से कंट्री ने पहली दफा तारीख के अंदर फर्स्ट अबॉर्शन पिल जो है उसको अप्रूव किया है, तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। सो जापान हैज अप्रूव्ड फर्स्ट अबॉर्शन पिल इन इट्स हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि कौन सी कंट्री को प्रेसिडेंसी मिली है UN सिक्योरिटी काउंसिल की मई के मंथ 2023 के लिए, तो इसका आंसर हमारे पास है स्विट्जरलैंड। सो स्विट्जरलैंड हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ मई 2023, यानी कि 2023 मई के महीने के अंदर UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये जो वीडियो थी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोई नहीं है, ये वीडियो जो थी वो कंप्लीटेड है जिसके अंदर हम 2 मई 2023 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।